सबसे पहले यह कैंची रोजगार देगी उस माँ के लिए, उस हर नौजवान के लिए, वो हमारी सब बेटी के लिए, और सबसे ज्यादा बलात्कारियों, दुर्चारियों और जुमलेबाजों के पैर कटे, उन तमाम बलात्कारियों, हत्यारों, भ्रष्टाचारियों को पैर कुतरने का काम, और कुछ बदजुमान कुछ नेता हो गए, कुछ पार्टियां हो गई है जो समाज में नफरत फैलाती है अपनी वाणी से, उनके जुबान को भी। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। जन अधिकार पार्टी को नया चुनावी सिंबल मिल गया है, कैंची। इस वक्त हमारे साथ प्रेमचंद सिंह हैं, जो जन अधिकार पार्टी के टिकट पर सिवान के गोरियाकोटी से चुनाव लड़ेंगे। हम उनसे जानते हैं, लगातार आप अपने विधानसभा क्षेत्र में थे, उस समय चुनाव चिन्ह नहीं था, अब कैंची मिल गया है, तो कैंची किन किन लोगों पर चल रही है और गोरियाकोटी की जनता क्या अच्छा कैंची जो है अपनाने जा रही है? नहीं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने कहा कि उस समय चुनाव चिन्ह नहीं था। 2015 में हमारी पार्टी जब से रजिस्टर्ड हुई, चुनाव 2015 विधानसभा लड़े, हॉकी और बॉल चुनाव चिन्ह था। एक गहरी साजिश रची गई केंद्र सरकार के द्वारा और इस चुनाव चिन्ह को मेरा ब्लॉक करा दिया गया। तब जा कर के चुनाव आयोग में हमने आवेदन दिया, ये साजिश है, हमें इस चुनाव से और इस बिहार की जनता में हमारी जो हमारे नेता का जन अधिकार पार्टी का आदरणीय अध्यक्ष हमारे माननीय पप्पू यादव जी का जिस तरह से पैठ भरा, हर जुबान पर हॉकी बॉल था। खैर कोई बात नहीं, कैंची मिला है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अब यही कैंची ये हर हाथ में होगा, हर उस माँ के हाथ में होगा जो रोजगार के रूप में बिहार को सींचेगी, ये हर उस बेटी और बहन के हाथ में होगा जो बिहार की तरक्की के लिए स्वरोजगार के माध्यम से अपने हाथ में लेकर के जन अधिकार पार्टी के हाथ को मजबूत करेगी और बिहार का विकास को होगा। यह कैंची, यह चुनाव चिन्ह जो आज मिला है इस जन अधिकार पार्टी को 2020 के चुनाव के लिए, निश्चित तौर पर यह कैंची उन तमाम बलात्कारियों, हत्यारों, भ्रष्टाचारियों को पैर कुतरने का काम करेगी, और कुछ बदजुमान कुछ नेता हो गए हैं, कुछ पार्टियां हो गई है जो समाज में नफरत फैलाती है अपनी वाणी से, उनके जुबान को भी कतरेगा। कुछ लोग देश में ऐसी पार्टियां हैं जो जुमलेबाजी करती है, उस जुमलेबाजी जुबान को भी यह कतरने का काम करेगा। यह एक तरफ रोजगार भी दिलाएगा और एक तरफ उन सभी माफियाओं, बिचौलियों, हर अपराधियों का पैर भी पर कुतरा जाता है ना, पर कुतरा। इसलिए अब सवाल आपने कहा गुड़िया को, निश्चित तौर पर जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता नेता के विचारों को, आदरणीय पप्पू यादव के सिद्धांतों को, पार्टी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाया है। नेता जो 13 करोड़ लोगों के सवाल को लेकर के आज, चाहे महागठबंधन के लोग हों या एनडीए के लोग हों, एनडीए के लोगों की खात्मा तो तय है। अखबार में आ रहा है कि 29 नवंबर इस सरकार की उम्र की अवधि है, हम कहेंगे कि अब ये अवधि सचमुच ख़त्म हो रही है, कंप्लीट एनडीए की समाप्ति की तिथि तय है 29 नवंबर और इन लोगों का खात्मा होना तय है। अब एक आएगा बिहार में, एक नया बिहार बहेगा, बिहार में बदलाव आएगा और वो एकमात्र जन अधिकार पार्टी से होगा। मतलब आप एंटी इनकमेंसी जो है वो देख रहे हैं पूरे बिहार में, आप बता रहे हैं कि 29 तारीख खत्म सब कुछ। अच्छा, 15 साल आप सत्ता में रहे, एंटी इनकमेंसी की जो बात, आप सब कुछ ठीक कर लेते हैं। जब आपका दावा है कि हम विकास और न्याय की बात करते हैं, तो कौन सा विकास है कि आपके रीजन में एक सुई और साइकिल का यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा, यहाँ तक किसान के लिए जो चीनी मिल था जिसे रोजगार भी मिलता था, किसान की किसानी का मेहनता भी मिलता था, आज लगभग वर्षों से बंद है और इस 15 साल में ख़त्म हो गया।
आप ही के रीजन में, जहां बाढ़ नहीं आई कभी तक सदियों से। पूर्वजों ने बताया कि कभी हम लोगों ने बाढ़ देखा नहीं। नीतीश कुमार जी, आप ही के इसी शासनकाल में उन सब जगहों पर बाढ़ कैसी आई? क्या आपकी विफलता वो नहीं है? इसलिए इनकी खात्मा तय है। एंटी कंपेंसिव की बात कर लें अथवा हम लोग नहीं करें, सचमुच है कि जनता इनसे हुई है। अच्छा, 15 साल उस सरकार से यदि जनता तंग थी तो इनसे त्रस्त हो गई। ठीक, यही सवाल है कि लोग जो है वो कहते हैं कि जो 15 साल पहले लालू यादव के समय था और अभी जो 15 साल है उसमें सुरक्षा को लेकर के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में सुरक्षित बिहार बन गया है, आप क्या मानते हैं इसको? बारे सुरक्षित बिहार 56 और 47 सबसे ज़्यादा इससे आंकड़ा तो बताता ही नहीं कि गवर्नमेंट में राजनीतिक हत्याएं और लूटपाट की हत्याएं सबसे ज़्यादा यदि मौत इसी नीतीश कुमार के रीजन में हुई है, किसका किसका नाम गिनाओ? और सबसे ज़्यादा यदि जो जन्म लिया अपराधी लालू जी के काल में, आज नेता और एमएलए बना है नीतीश कुमार के काल में, क्या है मामला? और कैसे कहते हैं आप कि बिहार में अपराध घटा है? बेटियां, अब तो अपराधियों का, बलात्कारियों का, दुष्कर्मियों का इतना मनोबल बढ़ गया है नीतीश कुमार जी कि दुष्कर्म करता, अपराध करता, उसका वीडियो क्लिप बनाता है और वायरल करता है, और आप और आपकी पुलिस महकमा हाथ पर हाथ बैठ करके सोई रहती है, क्या तो मामला है? इसको अपराध घटना कहेंगे? नीतीश कुमार जी किसी भी सूरत हाल में, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का आपदा विपदा का मामला हो, नीतीश कुमार जी कहीं नहीं टिकते हैं। यदि टिके होते तो 10 साल 15 साल से उस बेटियों पर जुल्म, अत्याचार, बलात्कार ब्रजेश ठाकुर नहीं करता रहता। तो आखिरी सवाल प्रेमचंद जी, आप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, एक्सेप्टेंस है लोगों के बीच, बदलाव करेगी बिहार इस बार, कितना भरोसा है गुड़िया कोठी के लोगों को लेकर के आपको? गुड़िया कोठी के हम जन्म लिए हैं, बेटा हैं, गुड़िया कोठी की जनता मुझे अपने लार प्यार दुलार से मुझे पाल पोस करके बड़ा की है। यदि बेटा यदि बड़ा हो गया है तो सेवा यदि अपने हर एक उस माँ का, हर एक उस पिता का, हर एक हमारे अपने बुजुर्गों का, अभिभावकों का कर रहा है, तो निश्चित तौर पर आज उनके आने वाली पीढ़ी के रोजगार के लिए भी, उनके बच्चों के शिक्षा के लिए भी, उनकी जिंदगी खुशहाल रहे, उनके खेतों में पानी और अनाज सिंचाई से लेकर के उनका उत्पादन हो, गुड़िया कोठी इस बिहार ही नहीं देश के पटल पर एक ऐसा विधानसभा निकल करके आए जिसे पूरा देश देखने को जाए, यह काम के लिए हम वहाँ सेवक के रूप में हैं। जनता मालिक है, धरती का भगवान जनता है, चुनेगी और जनाधिकार पार्टी का सरकार इस बिहार में बनने में अपनी योगदान देगी। सीट साफ तौर पर प्रेमचंद सिंह ने कहा है गोरिया कोठी की जनता जो है उन्हें सम्मान देगी, उन्हें भरोसा है। आप बने रहे हेडलाइन बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुँच